भगवान ने दिया हुआ अनमोल तोहफा और हर माँ के जीवन का केंद्र बिंदु उसकी संतान। हर माँ चाहती है कि अपना बच्चा कुछ स्पेशल बने, लाइफ में बहुत सफल हो। लेकिन अगर माँ चाहती है कि बच्चा स्पेशल बने तो माँ को भी कुछ स्पेशल एफर्ट लेने पड़ेंगे उसे स्पेशल बनाने के लिए। आप अगर प्रेग्नेंट हो तो भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है, अपना खुद का अंश आपके गर्भ में शिशु के रूप में रखा हुआ है। अभी आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस शिशु को डेवलप करने की, उसे अच्छे संस्कार देने की। हम देखते हैं कि कुमार गीली मिट्टी से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के पॉट्स बनाता है। वैसे ही आपके गर्भ में जो शिशु है वो भी गीली मिट्टी की तरह है, उसे भी आपको अच्छे संस्कार देना है, अच्छा आकार देना है और बहुत अच्छे से डेवलप करना है। आपको भगवान ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं या उन्हें डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छा एजुकेशन दिया जाता है, अलग अलग डेवलपमेंट की एक्टिविटीज दी जाती है और न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। लेकिन 70-80% फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये गर्भ में ही हो जाता है और ये पीरियड होता है सिर्फ 9 महीने का। जन्म के बाद शिशु अपनी आंखों से दुनिया देखता है, अपने दिमाग से सोचता है, लेकिन जब तक वो माँ के गर्भ में है तब तक वो पूरी तरह माँ के ऊपर डिपेंड होता है। माँ की तरफ से जिस प्रकार के सिग्नल्स उसे मिलते हैं उस प्रकार की डेवलपमेंट और उस प्रकार के चेंजेस उसमें होते हैं। यानी हम देखते हैं कि जन्म के बाद आप जो भी बोलोगे या जो भी उसे शिशु को दोगे वो 100% नहीं लेगा, लेकिन जब तक वो आपके गर्भ में है आप जो भी दे रहे हो वो विदाउट फिल्ट्रेशन 100% ले रहा है। माँ जो कुछ भी खा रही है, जो कुछ भी सोच रही है, फील कर रही है या बिहेव कर रही है, इन सब चीजों का शिशु के ऊपर डायरेक्टली असर हो रहा है। माँ अगर खुश है, रिलैक्स है तो माँ के शरीर में उस प्रकार के यानी पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट हो गए और बेबी की पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। इससे उल्टा माँ अगर स्ट्रेस में है या फिर कुछ डर है तो माँ के शरीर में एड्रेनलिन, कैटेकोलमाइन इस प्रकार के हार्मोन सीक्रेट हो गए और बेबी तक निगेटिव सिग्नल जाएंगे और बेबी की उस प्रकार की डेवलपमेंट होगी। यानी प्रेगनेंसी के दरम्यान माँ की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि वो अपने शिशु तक क्या पहुंचा रही है, उसे कैसे डेवलप कर रही है, उसे किस प्रकार के संस्कार दे रही है। अभी अगर आप ये ग्रोथ टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है प्रेगनेंसी के दरम्यान। जब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है उस वक्त जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो का वेट होता है 0.04 मिलीग्राम और 9 महीने में डेवलपमेंट होके जब शिशु का जन्म होता है तो एक एवरेज वेट 3 केजी होता है। ये अगर हम रेशियो देखेंगे ग्रोथ का तो बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी 7.5 करोड़ रेशियो आता है ये डेवलपमेंट का और वो कितने पीरियड में है, सिर्फ 9 महीने में। और जन्म के बाद का अगर रेशियो हम देखते हैं कि जन्म के वक्त शिशु का वेट था 3 केजी और अगर वो 90 साल जीता है तो एक इंसान का एवरेज वेट 90 किलो तक जाता है। यानी 90 इयर्स में कितना डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ 30%। ये ग्रोथ रेशियो अगर आप कंपेयर करोगे कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दरमियान की ग्रोथ और जन्म के बाद की ग्रोथ,
तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेगनेंसी का पीरियड कितना प्रेशियस है। पूरी जिंदगी माँ डंडा लेके बच्चों के पीछे दौड़ती रहती है, ये करो वो मत करो, और बच्चा आगे आगे भागता रहता है। अभी आपको ये तय करना है कि आपको डंडा लेके पीछे दौड़ने वाला हार्डवर्क करना है या प्रेगनेंसी के दरम्यान गर्भ संस्कार का स्मार्ट वर्क करना है।